लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे फेमस चीज है कि लेट गो करना लेट गो यानी जो भी इच्छा आपने मांगी है उसको मांगो विश्वास करो और लेट गो कर दो यानी छोड़ दो उसके बारे में भूल जाओ तो इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है मुझे ऐसा लगता है कि आज तक का ये मेरा बेस्ट वीडियो है जहां पे मैं अच्छी तरीके से बात कर पाई हूं तो कोशिश करना कि इसे एंड तक देखना शायद सब कुछ चेंज हो जाए वीडियो के एंड होने तक लेट गो लेट गो लेट गो आप ये इस क्वेश्चन को लेट गो ही नहीं कर रहे हो तो मैं एक्चुअली लेट गो नहीं करती हूँ मुझे पसंद ही नहीं है लेट गो करना क्योंकि मुझे अपने सपनों से इतना प्यार है कि मैं बार बार सपनों को सोचती हूँ मैं अपने सपनों की दुनिया में ही रहती हूँ इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाती हूँ ना तो वहाँ पे ऐसे एक पूरा ग्राउंड है राउंड है ठीक है आज मैं बहुत गड़बड़ कर रही हूँ बोलने में बहुत पता नहीं क्या हो गया तो उस आ, मैदान में जब मैं चक्कर लगाती हूँ तब मैं ये सोचती हूँ ये फील करती हूँ कि ये ना मेरे कॉलेज का कैंपस है और कॉलेज के कैंपस में सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ तो मैं उसको एन्जॉय करती हूँ फ़ील करती हूँ और ये बार बार अगर आ, फीलिंग ना छूटते जाती है बार बार फीलिंग को पकड़ के रखना मुश्किल होता है तो मैं अपने आपको बहुत बार रिपीट करती हूँ कि ये टिस्क का कैंपस है ये टिस्स का कैंपस है टिस् मेरे कॉलेज का नाम है ये मैं टिस्स के कैंपस में हूँ मैं टिस्क के कैंपस में बार बार अपने आप को बोलती हूँ वो खुशी फील करती हूँ बोलती हूँ वो खुशी फील करती हूँ तो मैं लेडगो वाली पर्सन हूँ ही नहीं इसलिए मैं अब तक लेडगो पर वीडियो नहीं बना रही थी पर अभी जितना भी मुझे पता है उसके बारे में वो मैं बता देती हूँ लेट गो हर विश में करना ही होता है ऐसा किसने आपको बताया है मुझे पता नहीं लेट गो करने से ही विशेष पूरी हो जाएंगी ऐसे लोगों को कंफ्यूजन है माइंड में तो ऐसे नहीं है आप लेट गो ना करके भी सारी विशेष अपनी पूरी कर सकते हो ये कोई कंप्यूटर का स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम नहीं है कि आ, हर एक स्टेप ऐसे लाइन टू लाइन फॉलो करना चाहिए आपकी फीलिंग्स की बात चल रही है ना यहाँ पे तो आपकी फीलिंग्स ही अगर आप च, आ, मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो कोई चीज़ काम करेगी नहीं लेट गो करो या ना करो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात लेट गो किन लोगों को करना चाहिए करना चाहिए पर किन लोगों को जो लोग अपनी विश को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं जो लोगों को जो वो मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा कीमती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑफकोर्स बार बार मन में डर चलता रहता है कि होगा या नहीं नहीं होगा तो क्या कैसे जिनका लाइफ का प्रश्न है क्वेश्चन है वो उन लोगों ने लेट गो करना चाहिए अगर उनका माइंड बार बार नेगेटिव थॉट्स पे जाता है तो मेरे लिए भी मेरे कॉलेज का एडमिशन मेरी पूरी लाइफ का क्वेश्चन है अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं आई एम डेड मतलब ऑप्शन खत्म हो जाएंगे मेरे लिए क्योंकि मैं लेट गो कर रही हूँ क्या कॉलेज को मैं हर पल अपने कॉलेज में जी रही हूँ मैं खाना लेती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि ये कैंटीन से खाना लेकर आ रही हूँ कॉलेज के ये मेरा घर जो है ये मेरे हॉस्टल का रूम है ऐसे मैं सोचती हूँ तो मैं अपने सपने में ही जीती हूँ एकदम कॉन्फिडेंटली जीती हूँ एकदम खुशी से जीती हूँ तो मेरे जैसे जो लोग सोचते हैं जो इतने लेवल के कॉन्फिडेंट है इतने लेवल के पॉजिटिव है उन्हें लेट गो करने की जरूरत नहीं है अगर आपको आपकी विशेष से खुशी मिल रही है तो कोई जरूरत नहीं है लेट गो करने की लेकिन अगर आपको बार बार डर लगा रहता है बार बार मन नेगेटिव में ही जाता रहता है तो फिर आपको शायद लेट गो कर देना चाहिए या तो आपको मेरा तरीका यूज़ करना चाहिए जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया आई नो कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना कि मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट आपके मन को काबू कर पाना सोल्यूशन तो पता है कर तो रहे हैं पर अपने आप ही मन चुंबक की तरह उस नेगेटिव सिचुएशन के इसमें जाके गिर जाता है राइट तो उस समय पे आपको ऐसे अगर आप हो तो आपको लेट गो हंड्रेड परसेंट करना चाहिए अब लेट गो कैसे करते हैं सबसे पहला स्टेप बोलूँ आपको आपको लगेगा कि ये क्या बता दिया इसने बट ये ही इसका मेन सोल्यूशन है आपको यूनिवर्स पे विश्वास ही नहीं है इसलिए आप लेट गो नहीं कर पाते हो क्योंकि जब विश्वास नहीं होता है तब आपको ऐसा लगता है कि होगा या नहीं पूरा पूरा होगा या नहीं लेकिन मेरी विश तो इतनी बड़ी है लेकिन उसके मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे लेकिन ये तो ऐसा है तो कैसे तो यूनिवर्स मिराकल करता है ये बात आपने एक्सेप्ट की ही नहीं है इसीलिए आपको आपकी विश पर पूरा बिलीव करने में मुश्किल हो रही है इसीलिए आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मन में शांति और भरोसा है ही नहीं पहली बात आपको आपका यूनिवर्स पे विश्वास स्ट्रांग करना होगा तभी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए पर मुझे पहले ये बताइए जब आपका यूनिवर्स पे विश्वास ही नहीं है तो आप उसको यूज़ किस बेसिस पे कर रहे हो हम तभी यूज़ करते हैं ना जब पूरा का पूरा ट्रस्ट हमारे यूनिवर्स में हो तभी हम उसे यूज़ करते हैं राइट आई नो कभी कभी रिजल्ट्स नहीं दिखते लेकिन यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ वेट कर रही है इसलिए आपको ये छोटा सा रिजल्ट नहीं मिल रहा है मैंने एग्जाम्पल दिया था कि दसवीं की बच्ची को फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई एडमिशन नहीं देगा उसका लेवल ही टेंथ स्टैंडर्ड का है तो उसे टेंथ स्टैंडर्ड में ही एडमिशन मिलेगा आप बोल रहे हो कि मुझे फर्स्ट में ही जाना है फर्स्ट में ही जाना है फर्स्ट में क्यों नहीं मिल रहा फर्स्ट में ही जाना है के भी चलेगा लेकिन मेरे को नीचे जाना है तो वो नीचे नहीं जाएगा ऊपर ही जाएगा ऊपर का ही मिलेगा तो वेट करना ऊपर वाले के लिए ऊपर वाले लेवल के लिए तो लेट गो करने का सबसे फर्स्ट है कि आप बिलीव करना सीखिए द सीक्रेट मूवी देखिए बुक पढ़िए किसी जो इंसान आपको पसंद है उसके वीडियोस देखिए मोटिवेट होते रहिए सक्सेस स्टोरी सुनिए तो ये सारे मेराकल्स जब कंटिन्यू सुनते जाओगे तो आपको और और विश्वास होता जाएगा कि हाँ हाँ इनके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा येस यूनिवर्स वर्कस ये सारी बातें आपके मन में आएंगी सेकेंड स्टेप ये है कि आप अपने लाइफ में एक कोई भी छोटा सा गोल बनाइए गोल यानी एक उद्देश्य बनाइए कोई भी छोटा सा उद्देश्य हो सकता है कितना भी छोटा जैसे कि मैं रोज़ सुबह सबके लिए चाय बनाऊंगी, या मैं ना रोज़ झाड़ों को पेड़ों को पौधों को पानी डालूंगी, इतने अनेक वचन की ज़रूरत नहीं थी वैसे आ, या या फिर आप बोल सकते हो कि मैं हर दिन ना किसी एक बच्चे को खुश करवाऊंगी, स्माइल करवाऊंगी, या कुछ भी आप समझ रहे हो एक गोल से एक उद्देश्य से अपने आप के मन की डोर बांध के रखना है बस वो डोर आपको इतनी हेल्प करेगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपको एक छोटा सा गोल आपके लाइफ में बनाना है इसके पीछे का रीज़न मैं खुद नहीं समझ पाई हूँ अभी बट मुझे पता है कि ये काम करता है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है ठीक है आप उस गोल में इतने इन्वेस्ट होते जाओगे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे लेट गो का प्रोसेस अपने आप होता रहेगा ठीक है नेक्स्ट आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान देना है अब कोई लोग होंगे जिनकी आधी लाइफ आ गई है बोलेंगे कि अब क्या इंप्रूव करना है खुद को आप क्या सीखने की कोई उम्र नहीं होती जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है उसमें से एक चीज पकड़ो उसमें से एक चीज सीखो अगर सीखना नहीं है तो देखो कि डांस वीडियोस देखो म्यूजिक वीडियोस देखो कुकिंग वीडियोस देखो नया चीजें कुक कैसे करते हैं वो देखो समझ रहे हो आप बात को कि अपने आप को किसी ना किसी एक एरिया में इम्प्रूव करने के ठान लो अगर आप आध्यात्मिक हो तो बोलो कि मैं ना भगवत गीता पढ़ूंगी अगर पढ़ रखी है तो फिर से पढ़ूंगी उसकी एक एक लाइन का अर्थ निकाल के मैं अपने डायरी में लिखूंगी कि कैसे आ, मतलब क्या है ये मतलब जितनी आपकी उम्र है उस हिसाब से अपना एक गोल डिसाइड कीजिए उस हिसाब से अपनी सेल्फ ग्रोथ कैसे करनी है वो डिसाइड कीजिए मैं पढ़ाई के लिए डिसाइड कर सकती हूँ मेरे से जो बड़े हैं वो अपनी जॉब में हैं वो जॉब में अपने को आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं एम ऑफिस सीख सकते हैं या फिर एक्सेल में फाइल्स कैसे बनाते हैं या फिर अकाउंटिंग कैसे होती है तो आप अपने जॉब में बेटर बनने के पीछे लग जाइए अपनी हेल्थ में बेटर बनने के पीछे लग जाइए आप जब अपने विश के पीछे भागते हो तो वो दूर चली जाती है जब आप अपने खुद के पीछे भागने लगते हो ना तब वो विश अपने आप आपके पास आ जाती है इस इंसान को अपने आप को पहले इतना हाई लेवल का बनाओ कि वो हाई लेवल की चीज़ जैसे चुंबक जैसे आके आपसे चिपक जाएगी ठीक है अपनी सेल्फ ग्रोथ अपने बारे में हमेशा अपने आप से प्यार करो मैं अपने आप को कैसे बेटर बनाऊं और सबसे बड़ी बात आपको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है कोई और पे क्यों डिपेंड करते हो अपने आप को खुश रखा करो कोई और हर्ट करके जा रहा है फिर भी लेट इट गो मस्त एक कड़क चाय बनाओ चाय पियो जो म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक लगाओ आपको पता है मैं कितनी बार घर में अकेले नाच चुकी हूँ मेरे घर में एक वो है आ, क्या बोलते हैं उसको झूमर 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 जो बोलते हैं बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स आती है उसमें वो लाइट लगा देती हूँ और मेरा एक फेवरेट गाना है गोट टू लव यू गॉट टू लव यू जैसे शॉन पॉल का गाना है तो वो गाना मैं लगा देती हूँ तेज़ आवाज़ में लगाती हूँ पड़ोसी क्या सोचेंगे गया खड्डे में कुछ टाइम के लिए मैं इतना नाचती हूँ उस पर और मैं ऐसे फील कर मुझे ना हमेशा से मैं मुंबई में रह के कब क्लब या पब नहीं गई हूँ कभी पता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है मुंबई का मैं घर ट्यूशन स्कूल घर ट्यूशन में यही करती रहती थी तो मैं इमेजिन करती हूँ वो जो लाइट ऐसे चमकती है ना कि मैं क्लब में नाच रही हूँ पब में नाच रही हूँ ये मैं इमेजिन करके मस्त नाचते रहती हूँ वो कॉन्फिडेंस फील करती हूँ कि हाँ मतलब मेरी लाइफ ऐसी है तो ऐसे अपने आप में एंजॉय करना सीखो मैं कुकिंग करते करते डांस करती हूँ मेरी एक चपाती ऐसे जाती है एक चपाती मेरी ऐसे जाती है मैं पानी भरते भरते मतलब आई एन्जॉय माई सेल्फ आई लव माई सेल्फ कोई अगर मैं तो कितने बार ये बोलती हूँ कि मैं अगर मेरे घर में सी सी टी वी कैमरा बिठा बिट गया किसी दिन तो मुझे देखने वाला इंसान हंस हंस के पागल हो जाएगा या तो वो मुझे पागल समझेगा कि ये क्या प्राणी है कौन सा जानवर है या अकेले बातें करती है अकेले नाचती है साइको है क्या मतलब मैं अपने वर्ल्ड में मस्त हूँ मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है आपको पता है मैं कभी किसी को खुद से मैसेज नहीं करती क्योंकि मुझे याद ही नहीं आती है किसी की तो ऐसे नहीं कि मतलब घमंड है कुछ या बात नहीं करती लोग बोलते हैं कि ईमन तू तो कभी खुद से मैसेज नहीं करती अब मुझे याद ही नहीं आती किसी की मैं अपने आप में इतनी मस्त हूँ तो मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं इतनी मस्त हूँ तो आप ही बताओ क्या करूँ <laughs> ऐसा गाना वायरल हुआ है आपने सुना होगा बहुत बोल दिया मैंने इस ब्लॉग में सॉरी इस वीडियो में व्लॉगर बनना भी मेरा एक सपना था बाय द वे मुझे हमेशा से एक व्लॉगर बनना था लेकिन व्लॉगिंग करने के लिए आ, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना कि मतलब घर में ज़्यादा लोग हैं तो उनकी बातचीत दिखा सकते हैं या पेट्स है तो कुछ है ही नहीं मैं और मम्मी है तो मैं क्या दिखाऊँ रोज ही आपको ये एकदम दिल से दिल वाली बातें थी इसलिए मैंने दिल खोल के इसमें बात की है सब कुछ मुझे कुछ होश नहीं है कि कितना टाइम का वीडियो बन रहा है लोग देखेंगे नहीं देखेंगे आई डोंट केयर जो मेरे सच्चे दिल से जो दोस्त हैं वो तो देखते ही है मुझे पता है और दिल की बात दिल वाले दोस्तों तक पहुंचनी इंपॉर्टेंट होती है वो पहुंच गई होगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय स्टे पॉजिटिव और झूमते रहो अपने आप में आप अपने आप में ही बहुत काफ़ी हो किसी और की जरूरत ही नहीं है आपको ठीक है बाय लव यू